चैप्टर्स के ऊपर करेंगे, और उसके बाद जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, देखिए आप किसी भी बेसिक बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्विक ब्रशअप करते हैं यहाँ पर। ओके, वेलकम एंड सृष्टि, आर यू टू पर्सन? और सृष्टि आपने दो आईडी से ज्वाइन किया हुआ है आज। आई थॉट टुडे यू ज्वाइन बाय टू आईडी, नॉट श्योर ऑन दिस। चलिए कोई ना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो बहुत ब्रीफली हम इसको टच अप ऑन करेंगे एक 10 मिनट में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, स्किपिंग दिस स्लाइड, जो एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं केवल उसी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कभी कभी मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है? 1940 से लेकर के 1956 तक। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे याद रखनी है? यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे, एंड बहुत बड़े बड़े जाइंट साइज के देखिए कंप्यूटर्स यहाँ पर होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, है ना। उस टाइम पे ये सपना कि हमारे घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होगा, या फिर कह सकते हैं हमारे घर में एक पीसी होगा, एक पेंटैब होगा, ये सब तो बहुत ही फार ऑफ थिंग थी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर लेता है। देखिए कंप्यूटर को पहले लाने का जो पर्पस था वो क्या था? वो केवल कह सकते हैं आप कि कैलकुलेशन करना था, ठीक है। बहुत ज्यादा ये हीट लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, और इसमें ऐसा एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज यहाँ पर यूज होता था ज्यादा से ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि यूनिवैक एंड एनियक जो है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स है, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है देखिए स्टैटिक होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांसेस होते एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका सेकेंड जनरेशन, 1956 से लेकर के 1963 तक। सो ये क्या था? ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स ने जो है रिप्लेस किया आपके वैक्यूम ट्यूब्स को, अलाउिंग कंप्यूटर्स टू बिकम सेलर, फास्टर, चीपर। और ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपको कीवर्ड याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन का कीवर्ड है आपका ट्रांजिस्टर, है ना। सो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस दिस वैक्यूम ट्यूब्स, यहाँ पे पहले के मुकाबले में थोड़ा सा फास्ट हो गया, लेकिन अभी भी आप देखिए इतने बड़े बड़े साइज के ये ट्रांजिस्टर्स भी हैं, है ना। यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रिंटआउट के लिए जो है अलग से आउटपुट लेना पड़ता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है, देखिए वहां पे मशीन लैंग्वेजेस थे। सेकेंड जनरेशन का कीवर्ड है, आप नोट ले सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि कोबोल, फोरट्रान, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है थर्ड जनरेशन, 1964 से 1971, इसको कहते हैं आईसी। ये बहुत लंबा चला, और देखिए इससे आप रिलेट कर सकते हैं, आज के कंप्यूटर्स में भी जो है आईसी का यूज देखने को मिलता है। सो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन फ्रॉम वेन टू वेन? 1964 से 71। पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, पीरियड से भी क्वेश्चंस आए हुए, ठीक ना। सो इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड प्रिंटआउट्स, यूजर्स इंटरैक्टेड थ्रू कीबोर्ड,
मॉनिटर, पहली बार कीबोर्ड मॉनिटर इंटरेक्शन सब स्टार्ट हुआ था यहाँ से, क्योंकि आईसी यूज किया गया तो मास ऑडियंस यहाँ से टारगेट होने लगा और ये थोड़ा सा चीप होना भी स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा रेट्स में जो है फर्क आने लगा। मतलब ये जो माइंडसेट था कि ये बड़े बड़े लोकेशंस पे ही रहेगा, इससे धीरे धीरे चीजें जो है चेंज होने लगी। थर्ड जनरेशन आईसी वॉज अ मेजर चेंज टुवर्ड्स मास यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे तो कई सारी चीजें हैं बट आई एम जस्ट टचिंग अपॉन ब्रीफली फ्रॉम वॉट एवर वी कैन कवर थ्रू एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आई कैन गिव यू सम बुक्स टू रीड टू इफ यू वॉन्ट टू नो मोर। फिर इसी के छोटे वर्जन आने लगे, अभी तक के फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। सो योर फोर्थ जनरेशन में जो है ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस रहे जो कि आप पहली बार घर पे यूज कर सकते हैं, फिट इन द पाम ऑफ अ हैंड। ये कॉम्पैक्ट साइज जो है, ये अभी के अगर हम प्रोसेसर्स की बात करें, इनफैक्ट बहुत हद तक जो है हमारे कॉम्पैक्ट जो सिस्टम्स है स्टार्ट हो गए 1981 से। आईबीएम पहला पीसी लेकर के आया, एप्पल जो है मैक अपने लेकर के आया, स्मॉल कंप्यूटर्स में भी बहुत सारा काम हम कर पाने लगे। सो फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस का यूज, हैंड हेल्ड डिवाइस का यूज, ये सब चीजें पॉपुलर होती गई, ठीक है। अब आज के टाइम्स की बात करें तो बिल्कुल रीसेंट में है आपका एआई, एंड ये कहते हैं फिफ्थ जनरेशन एआई प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। सो एआई अभी बहुत ज्यादा अभी भी इसको एक्सप्लोर करना बाकी है कि विद द यूज ऑफ मे बी 30 years डाउन लाइन व्हेन वी विल बी एजिंग, आप देखोगे वर्ल्ड विल बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे बिकॉज ऑफ एआई। सो एआई इज लाइक फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन ऑल द कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन एआई। अभी भी आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी एआई का यूज होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल वी विजिट अ साइट, समटाइम्स दे विल सजेस्ट अस समथिंग बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्री। And such kind of thing, the use of parallel processing, superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. In fact, ऐसा भी होगा because India has an advantage in terms of having Sanskrit as a language, and Sanskrit जो है ये काफी scientific language है. So maybe in future you will see use of Sanskrit more in the artificial intelligent world. So this is yet to happen, but yes, very likely. So ये था एक brief discussion आपके generations पे। एक बार sum up कर लेते हैं, पहला generation में हमने क्या ध्यान में रखना है, vacuum tubes। Second generation is about ट्रांजिस्टर्स टिल 1963 से 63 तक ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन इज योर यूज ऑफ आईसी टिल 71, देन माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, एंड फिफ्थ जनरेशन इज अबाउट एआई, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो वी विल बी डिस्कसिंग कवर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 एंड 2019 में भी। Let's see how much we can cover. So idea is not to just answer these questions, but इसके through जो है हम बहुत सारे concept की understanding लेंगे। देखिए ICT में आपको घुमा फिरा के questions के repetitions होते हैं और easy questions होते हैं। So I will not read these questions, आप खुद से पढ़ो। I will be on mute और try करो एक एक answer करने का, फिर हम discuss भी करेंगे जहाँ पे भी important concepts है ना। ऑल्सो ये सेशंस और भी ज्यादा फ्रूटफुल होंगे अगर आपने आईसीटी पहले से बेसिक सेटिस पढ़ के रखी, ठीक है। नहीं पढ़ के रखी तो भी कोई बात नहीं, वी विल बी ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दीज द टर्म्स यूज्ड इन द क्वेश्चंस।
I've not got enough responses. क्या है? Digital divide is a economic and equality with regard to access to use of or impact. तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए हमें digital device क्या होता है. ICT helps in international development by bridging this digital divide and provide equitable access to technologies. So let's understand digital divide first. So right answer यहाँ पे क्यों है, but क्यों क्यों है इससे पहले हम digital divide की बात कर लेते हैं. Anyone has any idea what is a digital divide like? तो देखो, digital divide क्या कहता है? Digital divide जो है, it is a gap between demographics and regions that have access to modern information and communication technology and those that or don't have a kind of restricted answer. So, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है. अगर मान लीजिए आप मेट्रोज की बात करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु फॉर दैट मैटर, बट कहीं कहीं पे आप देखोगे कि डिजिटल डिवाइड जो है बहुत ही ज्यादा है. कहीं पे बिल्कुल लोगों को कंप्यूटर्स का तो छोड़ ही दो, बाकी अगर बेसिक एमेनिटीज की भी बात करो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, समझ में आया ये डिजिटल डिवाइड. एक बार वापस आते क्वेश्चन पे, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग टर्म रिगार्डिंग आईसीटी इज ट्रू. अ डिजिटल डिवाइड इज अ इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी. क्या डिजिटल डिवाइड इक्वालिटी होता है? नो, डिजिटल डिवाइड इज अबाउट इनइक्वालिटी. एक रीजन तो जो है वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है, वहां पे आप मॉडर्न सारे फैसिलिटीज देख सकते हैं, लेकिन एक कोई रीजन रहता है. जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है. सो दिस इज इनइक्वालिटी. नाउ इज इट क्लियर? समझा ये वाई टू? यस मैम. ओके, सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई आंसरिंग योरसेल्फ. Okay, drag the file into recycle bin. Number four.
नंबर फोर, यस. So a confidential file needs to be deleted from a workstation, which is most effective way to ensure this. ठीक है, एक चीज मैं बताऊंगी, reality में this is also not a correct approach. Why? Because these files can be retrieved. आपको लगता है क्या कि जो recycle bin से आपने एक बार तो डिलीट कर दिया, क्या वो डिलीट हो जाता है? बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता है. So when the computers for example, and a company is actually discarding old computers. There are multiple ways of doing this. Sorry. So there can be multiple ways of doing these things. For example, they can just give it for reuse. That is the the first one will be they themselves reuse it. Okay. Reuse is as in, for example, a company needs a fast kind of processor. So once, like for example, they have used it for 3 years, 5 years period, and then they are done with it. तो फिर वो क्या करते हैं? यही computers, schools और बाकी जगहों पे दे देते हैं जहाँ पे इतना processor का कोई काम नहीं है. So rather than making it a e-waste or throwing it out, they lend it to someone who can still reuse it. Another term you should also understand from environment point of view is refurbish. These are three R principles. So what is refurbish? Refurbish is, मान लीजिए इसके कोई part ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो उस part पुर्जो को जो है ठीक ठाक करके उसके बाद जो है काम करना, ठीक है? So that is refurbish. बहुत टाइम आप अमेजोन वगैरह पे भी देखते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट एज अ रीफोबिश कैटेगरी में सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक. और लास्ट वन इज रिसाइकल. सो जब आप रीयूज भी नहीं कर सकते हो, रीफोबिश भी नहीं करते, देन यू ऑप्ट फॉर रिसाइकलिंग. सो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इट हियर इज व्हेन वी पुट द कंप्यूटर, डिस्कार्ड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ e-waste, we have to be very 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 sure that we follow proper procedure. हम जो है format करते हैं चीजों को, तो यहाँ पे बहुत सही तरीके से इसकी formatting होनी चाहिए, नहीं तो वास्तव में अगर केवल हम recycle bin में data हम डाल दे रहे हैं और recycle bin को empty कर देते हैं, तो ये भी एक तरीके का myth ही है. But that's the best option out here. That's why we have selected it. ठीक, ध्यान में रखना ये चीज. Drag the file. Okay. Next question. ब्लॉग की जगह आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे, इट इज वेब लॉग. वेब के ऊपर आप लॉग कर रहे हो कोई इंफॉर्मेशन, ये कहलाता है वेब लॉग. सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब लॉग इज ब्लॉग. जैसे कि अगर आप बात करो इंडिविजुअली, आप कैसे डायरी मेंटेन करते हो, इसी तरह हम ब्लॉगिंग करते हैं ऑनलाइन. तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, आप लोग आंसर कर सकते हो. आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग. या सो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन डायरी में कैसे मेंटेन करते हैं, इनफॉर्मल अगर डायरी मेंटेन करें तो कैसे मेंटेन करें. एक तारीख की करेंगे, फिर दो तारीख की करेंगे, आज अगर 6 तारीख है तो 6 तारीख की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको दिखेगी. यहाँ पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है. डायरी में तो हम
फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज पर जाएंगे, बट इन वेबसाइट इन वेब ब्लॉगिंग पोस्ट अपीयर इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये तो बिल्कुल सही बात है. विकी का आप बता दीजिए क्या है आंसर इसका. थ्री पी एन क्यू आर करेक्ट. ओके सो यस करेक्ट आंसर इज पी एन क्यू आर करेक्ट. स्टूडेंट द मोर यू आंसर द मोर यू गेट कॉन्फिडेंट. ओके और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा सकती है. क्वेश्चन डिस्कस करने से यही होगा कि अगर ब्लॉग अगर नेक्स्ट टाइम पूछा गया या विकी पूछा गया. विकी क्या है? विकीपीडिया हम सबको पता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं विकी. सो ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर. पी एक्सप्लेन कर दो. पी बता रही हूँ, पी तो अभी बताया ना मैंने. ब्लॉग इज अ पी या क्यू एक्सप्लेन करूँ? पी को तो एक्सप्लेन किया अभी जस्ट. ब्लॉग क्या होता है? आप ब्लॉगिंग करते हो वेबसाइट पे, ठीक है. सो वेबसाइट पे आप ब्लॉग कर रहे हो. मान लो आप अगर डे वन की ब्लॉगिंग कर रहे हो कि आज मैंने फलाना फलाना काम किया. जैसे आप डायरी घर पे कैसे लिखते हो, तो डायरी में तो डे वन आप पहले पेज पे लिखोगे और लास्ट पन्ने पे लिखोगे आपके लाइक आज 6 तारीख है तो 6 तारीख लास्ट पन्ने पे होगी, ठीक है. लेकिन ब्लॉगिंग में day 6 day 5 day 4 इस तरीके से आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो की जाती है, ठीक है. कोई भी ब्लॉग आप ओपन करके देख सकते हो. यूजुअली जैसे जो टेक्निकल बंदे होते हैं, टेक्निकल ब्लॉगिंग ज्यादा करते हैं लोग आजकल. सबसे ज्यादा हिट रहता है वीडियो ब्लॉग्स. देखा है वीडियो ब्लॉग्स? Weblogs in YouTube, you will see people doing anything and everything. They just post पे. तो पहले celebrities लोग ये video blogging करते थे. अभी आप देखोगे बहुत सारे जो YouTubers हैं, वो भी इनको करते हैं. Shushi, you want to add something? Ma'am, P statement में लिखा है कि a blog is a website. Yeah. तो ma'am, blog website होते हैं? तो वेबसाइट पे ही आप ब्लॉगिंग करते हो ना. अभी जस्ट मैंने बोला वेब पे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो. हम वेबसाइट पे, हम वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करते हैं तो अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट दे आर सेइंग. ब्लॉग इज अ वेबसाइट. ओके इलैबोरेट मोर ऑन योर क्वेश्चन. मैम ब्लॉग वेबसाइट थोड़ी होता है, हम एक वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करते हैं. ओके दैट वे यू आर पार्शली थिंकिंग, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से मत सोचो. मैम ऐसे एग्जाम में ऐसे लैंग्वेज होता है क्या ऊपर? नहीं नहीं, मैंने कभी दिया नहीं, नहीं है. नहीं नहीं, आप जैसे सोच रहे हो वो गड़बड़ सोच रहे हो. ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट ही है. लेट मी गिव यू आवर डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट फर्स्ट, देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. वेबसाइट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्लेस इंटरनेट पे जहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा डालते हो. मैं कह रही हूं कि चलो डाइव टू लर्न का वेबसाइट है, तो डाइव टू लर्न क्या है एज अ प्लेटफॉर्म, ये कौन कौन से कोर्सेज देता है, ये सब करने के लिए मैं क्या कहूंगी कि कोई नया पर्सन मेरे पास आएगा, मैं उसको कह दूंगी मेरे वेबसाइट पर जाकर देख लो, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो वेबसाइट एक ऐसा प्लेस ही होता है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वेबसाइट पे, आप मुझे बताओ. सो नाउ इज दिस क्लियर टू यू व्हाई ब्लॉग इज अ वेबसाइट? ब्लॉग में होता क्या, एक तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है. लाइक आई सेड ब्लॉगिंग एक्चुअली स्टार्टेड फॉर टेक्निकल पीपल, जहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पहले मिलता नहीं था, एंड देन नाउ इट एक्सपांडेड टू नाउ इवन वीडियो ब्लॉग्स. सो नाउ इज इट क्लियर? ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट ही होता है. वेबसाइट का मतलब ही होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम सारा डेटा सारा इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट अपलोड कर सके. अब आप अगर कहोगे www. अगर दिमाग में आपके ये था कि इसको वेबसाइट कहते हैं, तो ये सिर्फ URL होता है. इस पर भी हम आगे बात करेंगे. सो डोंट यू कैन होल्ड अप टू इट. ठीक है? ओके मैम. क्लियर? होप इट इज बेटर क्लियर नाउ. यस मैम. ठीक ठीक.
आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पैम, इस पर थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे. Try and answer, then we will discuss what is spam like. Miss Four, Four, okay. So I got one answer as four. Others are trying. Let me know quickly. Is everyone agreeing too? Then also they can answer. Four. Okay. So most people have answered. Spam kya hota hai? Spam is unsolicited advertising sent to large number of recipients. Let's see. Okay. Before coming to answer, let's discuss couple of other terms which from exam perspective आपको question आ सकते हैं. ठीक है, ethics एक ऐसा bit है ना जो कई subject में हमने already discuss किया है और फिर भी तो कई बार यहाँ से questions बनते हैं. चाहे हम research की बात करें तो वहाँ पर भी हमने ethics को discuss किया था, है ना. फिर अगर हम बात करते हैं business की, सो बिजनेस में भी हमने एथिक्स को डिस्कस किया था. बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और इनफैक्ट इंटरनेट एथिक्स भी क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़े से नए टर्म समझते हैं. सो इंक्रीज रिलायंस ऑन कमर्शियल सॉफ्टवेयर विथ वल्नरेबिलिटीज, काफी सारे टर्म्स हैं. जैसे एक टर्म है कहता है एक्सप्लॉइट. सो एक्सप्लॉइट का मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए. एक्सप्लॉइट इज attack on information system, takes advantage on information system vulnerability. Information system में यदि कोई कमियां है तो उसका फायदा उठाना exploit कहलाता है. Due to poor design, अगर कोई भी वहां पर flaw मिल गया तो उस flaw के through ये exploit enter कर जाता है. ठीक, फिर क्या पैच का मतलब क्या? पैच मतलब फिक्स करना. कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को अगर फिक्स करते, जैसे वेबसाइट वगैरह पे आप देखोगे या फिर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सो जो बग्स आते हैं तो हम उसके लिए पैच लगाते हैं. पैच मतलब कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में, कोई दो चीज को जोड़ने का काम कर रहा है. अगर कुछ चीज टूट गया तो उसको जोड़ने के लिए हम एक पट्टी लगा देते हैं ना, दैट इज काइंड ऑफ पैच. पैच इज टू फिक्स और एलिमिनेट द प्रॉब्लम. Users are responsible for obtaining and installing. So, कभी-कभी आपको app वगैरह देखना, what's new पे जाके, तो you'll see bugs and fixes. So, this is what fixes is. Delays exposure to user security breaches. तो जहाँ पे आप इसको completely eliminate नहीं कर सकते, you just put a patch to it. Okay. Then there's something called user zero day attack. Zero day meeting attack का meaning समझ के लो. Before a vulnerability is discovered or fixed. So, zero day attack is जहां पे आपको vulnerability का पता भी नहीं होता है जब तक ये वल्नरेबिलिटी, मतलब कंप्यूटर का पता ही नहीं होता है, तो यहाँ पर हैकर्स इसको अटैक कर सकते हैं और सेम डे पे अटैक कर सकते हैं जब तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जब तक ये फिक्स नहीं होता है. सो सेम डे पे जीरो डे, दैट इज जीरो डे, आज ही अटैक किया और आज ही इसके, फिर उसके बाद पता चलता है कि अच्छा ये गड़बड़ है तो इसको फिक्स करो. ठीक है, जिस दिन फिक्स किया उसी दिन अटैकर्स अटैक करते, दैट इज जीरो डे अटैक. ओके,
सो वी डिड टॉक व्हाट इज एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट इज अगर सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है उसका फायदा उठाना एक्सप्लॉइट कहलाता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट व्हिच वी विल बी टॉकिंग इन कपल ऑफ मिनट्स. सो क्या है ये? कंप्यूटर्स एज वेल एज स्मार्टफोन्स कैन बी टारगेटेड टाइप ऑफ अटैक्स. कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा टेक्निकल है. मे बी नॉट एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस टर्म. सो बीट वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेस, डीडीएस, रूटकिट, स्पैम एंड फिशिंग. हमारा जो क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लॉइट का ही एक हिस्सा था. राइट, स्पैम से क्वेश्चन बना था ना, तो आगे भी आपको फिशिंग से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ट्रोजन हॉर्स. इनफैक्ट कई बार ये सारे टर्म्स से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं, है ना. और ये सब टर्म्स आप खुद से भी बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखिए कंप्यूटर में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ टेक्निकल बिट आते हैं, तो ये टेक्निकल बिट आपको समझना है. चलिए, सबसे पहला है वायरस. वायरस क्या है? पीसेस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड एज समथिंग एल्स, है ना. कोरोना वायरस से वैसे हमारे दिमाग में वायरस की अलग इंप्रेशन है, उससे थोड़ा सा हटके यहाँ पे सोचो. वायरसेस जो है इज स्प्रेड बाय द एक्शंस ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर यूजर. सो एक इन्फेक्टेड ईमेल डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के फॉर्म पे अगर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं या फिर हम इन्फेक्टेड वेबसाइट्स विजिट करते हैं, सो वहां से हम वायरसेस जो है कैच कर सकते हैं. बेसिकली वायरस एक तरीके का क्या है? सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर हम कहेंगे, जो कि हमारे बिना जाने ही अपने कंप्यूटर में आ जाता है और खुद को ही रेप्लिकेट करते रहता है. और जैसे जैसे मान लीजिए हम एक ईमेल अटैचमेंट ओपन कर दिया या फिर कोई प्रोग्राम हमने डाउनलोड कर दिया कंप्यूटर से, कोई वेबसाइट विजिट कर लिया, सो सारे वायरसेस बुरे नहीं होते, लेकिन सम ऑफ देम बिकॉज ऑफ दिस रेप्लिकेशन खुद को ही वो खुद के रिप्लिका बनाते रह सकते. रिप्लिका मतलब खुद को डबल कर सकते, ट्रिपल कर सकते एंड सो ऑन. सो दिस वाज अबाउट वायरस. देन देयर आर वॉर्म्स. वॉर्म्स लिटरल मीनिंग वॉर्म्स का होता है क्या? कीड़े. सो जब हमने देखा वायरस में, सो हर एक वायरस डिस्ट्रक्टिव नहीं होता ये समझ के लीजिए, लेकिन वॉर्म्स की बात करें, सो वॉर्म्स आर हार्मफुल प्रोग्राम जो कि जिसका काम ही यही होता है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है स्प्रेड करेंगे और दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई भी तरीके का फेलियर रहेगा या फिर कोई भी उसमें फॉल्ट है तो उस फॉल्ट का फायदा उठाते हैं. सो व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वायरस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट वॉर्म्स एंड नॉट वायरसेस. ठीक, क्योंकि वॉर्म्स वायरसेस हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर वॉर्म्स की, तो वॉर्म्स डिस्ट्रक्टिव हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं. सो ये कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं, खुद को डुप्लीकेट करते रहते हैं, रेप्लीकेट करते रह सकते हैं एंड कैन प्रोपगेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. इसके लिए आपको किसी वेबसाइट को या आपको किसी ईमेल को विजिट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ये लोग स्प्रेड करेंगे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ये लोग स्प्रेड करेंगे और हमारा डेटा लॉस हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी या फिर मतलब आईटी वर्कर्स को भी काम पे लगा देते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी फेलियर्स के बेसिकली फायदा उठाते हैं. फिर आता है आपका ट्रोजन हॉर्स. नाउ ट्रोजन हॉर्स ये भी एक तरीके का वायरस ही है, मलेशियस वायरस ही है कहेंगे, जो कि जिसको हम एक कह सकते हैं कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर मान लेते हैं. मतलब हमारे हिसाब से ये कोई सही में सॉफ्टवेयर होता है, बट देखिए होता नहीं है. ये मलेशियस कोड हिडन इनसाइड सीमिंगली हार्मलेस प्रोग्राम्स, सो यूजर्स आर ट्रिक्ड इनटू इंस्टॉलिंग देम, डिलीवर्ड वाया ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट, कॉन्ट्रैक्टेड वाया रिमोटेबल मीडिया. ठीक है, सो ये सबसे कॉमन है ट्रोजन हॉर्स का. नाम हम आप सबने सुना होगा,
जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल डिवाइसेस को भी इफेक्ट करता है. कोई एक्चुअल के सॉफ्टवेयर के थ्रू ये इंटर कर जाता है. फिर है आपका लॉजिक बॉम्ब. लॉजिक बॉम्ब भी या ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है. लॉजिक बॉम्ब वायरसेस, ये भी एक तरीके का वायरस ही है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है. लॉजिक बॉम्ब इज कहता है एग्जीक्यूटेड व्हेन ट्रिगर्ड बाय सर्टेन इवेंट. सो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कोड्स पर्पसली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाल दिया जाता है जिससे वो माल फंक्शन करे. मान लीजिए एक ऐसा कोड डाल दिया गया जो कि फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट कर दे. सो फिर इससे कंप्यूटर को वो इम्पैक्ट कर सकता है. तो ये भी एक तरीके का वायरस है. फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. मलेशियस हैकर्स टेक्स ओवर कंप्यूटर्स ऑन टू इंटरनेट एंड कॉजेस देम to flood with the target site of demand data for other small tasks. The computers that are taken over are called zombies. Botnet is very large group of such computers. Does not involve in breaking at target computer. Target machine is busy responding to a stream of automated requests. Legitimate users cannot access the target machine. So, एक टाइम के लिए आप अपने यहां पर कंप्यूटर्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो. एक तरीके का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पे. आपके कंप्यूटर पे मान लीजिए हैकर ने हैक कर लिया, तो उस पीरियड के लिए जो एक्चुअल यूजर्स होंगे वो टारगेट मशीन को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. सो ये जनरली हैकर्स ही इंप्लॉय करते हैं साइबर अटैक्स में, ताकि जो एक्चुअल यूजर्स है वो उतने टाइम के लिए एक्सेस ना कर पाए. फॉर एग्जांपल दे वांट टू टेक सम डेटा, सो यू विल बी डिनाइड ऑफ सर्विस फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक, तो एक बार वापस कनेक्ट करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे.